और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऊर्जा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बूस्टर डोज से प्रदेश की उन्नति होगी। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आज प्री राइजिंग राजस्थान समिट है। प्री समिट में करीब 6 लाख करोड़ के MOU साइन होने की उम्मीद है। होटल मैरियट में ये सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। ऊर्जा विभाग ने प्री समिट को सफल बनाने की तैयारियां की। CM भजन लाल शर्मा, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर, ACS एनर्जी आलोक मौजूद रहेंगे। देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स से ऊर्जा सेक्टर में निवेश के लिए संवाद हुआ। तो आज जो प्री राइजिंग राजस्थान समिट है और ऐसे में होटल मैरियट में 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। ऊर्जा विभाग ने प्री समिट को सफल बनाने की तमाम तैयारियां की और अगले महीने फाइनल समिट होना है राइजिंग राजस्थान का। उससे पहले प्रदेश भर में प्री समिट्स आयोजित करवाए जा रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग का प्री समिट है और कई करोड़ के इन्वेस्टमेंट आज यहाँ पर होंगे, MOUs यहाँ पर होंगे। 6 लाख करोड़ के MOU साइन होने की आज उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी प्री समिट में शामिल होंगे। लगातार प्रदेश भर में राइजिंग राजस्थान को लेकर प्री समिट आयोजित करवाए जा रहे हैं। हर सेक्टर के प्री समिट आयोजित हो रहे हैं। और ऊर्जा विभाग ने प्री समिट को सफल बनाने की तैयारियां भी पूरी कर ली। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, राइजिंग राजस्थान का फाइनल समिट अगले ही महीने होना है, ज्यादा वक्त शेष नहीं बचा है। इससे पहले प्रदेश भर में हर सेक्टर के प्री समिट आयोजित करवाए जा रहे हैं। आज ऊर्जा क्षेत्र का प्री समिट है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जो ऊर्जा विभाग का आज प्री समिट है, सुबह 11 बजे एक निजी होटल में कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, जबकि ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, मुख्य सचिव, तमाम जो इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इस पूरी प्री समिट में जुड़ेंगे। क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे पावरफुल सेक्टर जो है माना जाता है किसी भी प्रदेश का। कई सारे जो विकास का जो पंख होता है वो एनर्जी सेक्टर के हाथ में रहता है। जितना मजबूत एनर्जी सेक्टर होगा उतना ही ज्यादा विकसित कोई राज्य होगा। तो यहाँ पर भी कई तरह की संभावनाएं हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, और ऊर्जा के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस भी है सरकार का लगातार। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि सोलर एनर्जी जो है उसको लेकर काफी जो ध्यान है पूरी देश और दुनिया की उद्यमियों की है, लगातार सोलर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो आज इन तमाम जो इन्वेस्टमेंट जो होने वाले हैं उनको आज एक जगह मिलने वाली है, एक जो नया आयाम स्थापित होने वाली जो स्थिति होती है वो आज देखने को मिलेगी। क्योंकि करीब 6 लाख करोड़ के MOU जो हैं वो एनर्जी सेक्टर में होने वाले हैं, और इस पूरी प्री समिट को सफल कैसे बनाया जाए इसको लेकर लगातार खुद ACS एनर्जी आलोक के नेतृत्व में लगातार ऊर्जा विभाग की टीम काम कर रही थी। अब यही जो इंतजार है कि किस तरह से कितने बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, कितने लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशक करते हैं। क्योंकि देश और विदेश तक जो राजस्थान की खूबी जो है कि एनर्जी सेक्टर में किस तरह से जो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर बाकी जो एनर्जी का सेक्टर है, राजस्थान किस तरह से बेहतर हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो सभी चीजों लेकर प्रचार प्रसार किया गया है। और आज उसी जो तमाम जो कैंपेनिंग थी ऊर्जा क्षेत्र की उसको लेकर आज ये प्री सबमिट होगी, और आज तमाम जो उद्यमी आएंगे जो एनर्जी सेक्टर में जो निवेश होना है उसको लेकर MOU यहाँ पर साइन होंगे। जी, आप देखिए, इससे पहले भी सुनील कई सारे प्री समिट्स हुए हैं ऊर्जा क्षेत्र, ठीक कहा आपने, विदेशों से भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बड़ी मदद, भारत की वो तमाम विदेश करते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से देशों से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है? क्योंकि देखिए, सिंगापुर का भी एक प्रतिनिधिमंडल पहुँचने वाला है जिससे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मनीषा, बिल्कुल, देखिए कि जो एनर्जी के क्षेत्र में जो देश अग्रणी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो सिंगापुर जैसे देशों का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ से भी जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हाई है, जहाँ पर जो एनर्जी सेक्टर को लेकर उनको निवेश करना है, वो सभी कंट्री, क्योंकि जर्मनी भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गए थे और अन्य तमाम देशों की यात्रा किए थे, तो इसी को लेकर, इसको देखते हुए ये लग रहा है कि बाहर का निवेश भी होगा और जो भारतीय उद्योगपति हैं
वो भी यहाँ पर निवेश करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो कंपनी है CII, LTPC, टाटा पावर, सिक्योर मीटर, आइसोलेशन एनर्जी समेत कई जो जो कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है, बेशक वो इंडिया की हो लेकिन वो इंटरनेशनली अपना जो सेक्टर है वो कर रखी है, इन्वेस्टमेंट है वो कर रखी है, तो ऐसे इंटरनेशनल कंपनियां जो बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल, वो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करती है तो जरूर ऊर्जा सेक्टर को भी पंख लगेंगे। और ऊर्जा सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पर विकास के साथ साथ जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार है वो भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सोलर ऊर्जा की तरफ पूरी दुनिया जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसमें अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प जो इन्वेस्टर्स के लिए वो राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जो लैंड है राजस्थान के पास रेगिस्तान वाली है, वहां पर अच्छी खासी धूप भी देखने को मिलती है, खाली जगह है, तो पूरा फोकस जो है इन्वेस्टर्स का वो राजस्थान में सोलर जो उम्मीद है उसको किस तरह से जो एनर्जी के रूप में उसको तैयार किया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ उम्मीद बताई जा रही कि राजस्थान में अच्छी खासी संभावनाएं, उन संभावनाओं को पंख कैसे लगे उसका काम आज यहां पर देखने को मिलेगा। और जो एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पर जो राज्य के विकास के जो के साथ साथ आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधरे, क्योंकि अगर राजस्थान में अच्छी इन्वेस्टमेंट आएंगी तो राजस्थान का विकास तो होगा ही होगा, साथ साथ देश की आर्थिक उन्नति में भी कहीं ना कहीं राजस्थान अब योगदान देने वाला है। चलिए सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज प्री राइजिंग राजस्थान समिट है और 6 लाख करोड़ के MOU होने की उम्मीद है। ऊर्जा क्षेत्र का प्री समिट है।